नमस्कार राहुल गांधी दो जगह से जीतने के बाद उन्हें खुद भरोसा नहीं था वह दो जगह से जीतेंगे खैर गारंटी कार्ड यहां वहां से जीत गए लेकिन अब उन्होंने रॉबर्ट वाड्रा अपने जीजा जी को एक गुप्त संदेश भेजा एक वार्निंग भेजा जो किसी के समझ में नहीं आया ये गुप्त वार्निंग था शायद सोनिया गांधी के इशारे पर वरना इनका राहुल गांधी का इतना दिमाग नहीं है राहुल गांधी का इतना आईक्यू नहीं है कि वह इस तरह से गुप्त संदेश रॉबर्ट वाड्रा को भेज सके अब कार्यकर्ता को भी पता नहीं चला तब हा आ, हाथ ताली पीट रहे हैं वा, वाह वाह क्या बात कहा लेकिन वह एक गुप्त संदेश था और रॉबर्ट वाड्रा समझ गए जिनको समझना था वह समझ गए रॉबर्ट वाड्रा के समझ में आ गया लेकिन रॉबर्ट वाड्रा चुप हैं जब मौका आएगा तो उसका जवाब देंगे वह तो चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं वह ओपनली कुछ कहते नहीं हैं लेकिन मौके का इंतज़ार करते हैं और बहुत जल्द मौका आने वाला है तो राहुल गांधी ने क्या संदेश भेजा इंदिरा गांधी आप जानती हैं वह चाहती हैं कि हमेशा राहुल गांधी को ही ऊपर उठाया जाए प्रियंका वाड्रा को नीचे दबाया जाए और रॉबर्ट वाड्रा की इच्छा है कि प्रियंका वाड्रा को ऊपर उठाया जाए तो यह दो जगह जीतने के बाद इन्होंने भाषण में एक ऐसा सांकेतिक इंगित दिया ऐसा एक सिग्नल दिया सिर्फ़ रॉबर्ट वाड्रा के समझ में आया और किसी के समझ में नहीं आया यहाँ तक कि मैं दूसरे ट्वीट पढ़ रहा था अमित मालवीय का जो एकदम एक्सपर्ट राजनीतिज्ञ हैं उनके समझ में भी नहीं आया लेकिन रॉबर्ट वाड्रा के समझ में आ गया तीनों ने क्या कहा अगर मेरी बहन यानि प्रियंका अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती तो मोदी जी को हरा देती यानी प्रियंका गांधी प्रियंका वाड्रा मोदी जी को भी हरा सकती हैं इतने उनकी पॉपुलैरिटी है अब सचमुच है या नहीं यह अलग बात है यह अलग कहानी है है या नहीं अगर वाराणसी से खड़ी होती तो मोदी हारते कि जीतते अब यह अलग कहानी है लेकिन उन्होंने इसको क्यों कहा कोई समझ नहीं पाया वह एक इशारा दे रहे थे कि देखो प्रियंका गांधी मोदी जी को भी हरा सकती हैं लेकिन हमने अमेथी और रायबरेली से भी उन्हें चुनाव लड़ने का परमिशन नहीं दिया यानी जब तक मेरी माँ सोनिया गांधी जिंदा है मैं राहुल गांधी मास्टर हूँ तो आप समझ लीजिए अब आप आपको जीजा जी से कह रहे हैं समझ लीजिए आप देख रहे हैं कि प्रियंका वाड्रा हमेशा जनरल सेक्रेटरी विदाउट पोर्टफोलियो इसके ऊपर हम उठने नहीं देंगे जब तक सोनिया गांधी है राहुल गांधी ही मास्टर रहेगा प्रियंका गांधी जो मोदी जी को भी हरा सकती है लेकिन हमने उन्हें रायबरेली से या अमेठी से खड़े होने का इजाज़त भी नहीं दिया यानी सोनिया गांधी जब तक है यारे जीजा जी आप भूल जाइए कि प्रियंका गांधी मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली हो सकती है चुनाव जीतकर मुझे ओवरटेक कर सकती है तो यह भूल जाइए यह जीजा जी से कह रहे हैं यह इशारा है क्या भूल जाइए आपका जो सपना है प्रियंका गांधी को मुझसे ज़्यादा हाई पोस्ट दिलाने का यह कभी नहीं होगा जब तक सोनिया गांधी है जब तक मेरी माँ है मैं ही सबसे टॉप में रहूंगा और मोदी जी को हराने की काबिलियत रखने वाली प्रियंका को हम अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ने की इजाज़त तक नहीं देंगे इसलिए जब तक सोनिया है आई एम द मास्टर इसलिए जीजा जी आप सपने मत देखिए कि आप प्रियंका गांधी को मुझसे ज़्यादा पावरफुल कर सकेंगे तो यह जो इशारा दिया यह सोनिया गांधी ने कहा होगा ऐसे गुप्त एक संकेत दो तो गुप्त भाषा में उन्होंने संकेत दे दिया किसी के समझ में तो नहीं आया लेकिन रॉबर्ट वाड्रा समझ गए हैं अब चुपचाप हैं तो देखते हैं अगली चुनाव में जैसे ही उनको मौका मिलता है वह छुरी तो निकालेंगे इसके बाद देखते हैं होता है क्या तमाशा तो जितना भाई बहन जो एक्टिंग कर रहे हैं अंदर में यह बात चल रही है कि कभी भी जितनी भी तारीफ़ कीजिए कि प्रियंका गांधी मोदी को हरा सकती है उन्हें कभी भी चुनाव लड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी जब तक सोनिया गांधी के कमान लेकिन सोनिया गांधी इसलिए कमान में है क्योंकि तिजोरी की चाबी उनके पास है तिजोरी की चाबी तो सोनिया गांधी के पास है माल तो उनके पास है तो जब तक तिजोरी की चाबी यानी खजाने की चाबी यानी लूट की चाबी जब तक सोनिया गांधी के हाथ में है तब तक तो उनका बात मानना पड़ेगा और तब तक जितना भी प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी रॉबर्ट वाड्रा चिल्लाए मास्टर कौन रहेगा राहुल गांधी यही संदेश दिया तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार